नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह टाइम्स टीम पर्यावरण बचाने के लिए आवाज़ उठाती रही है और आप तक जागरूकता का एक अलग मिसाल पेश करता रहा है। आप भी जागो और बुजुर्गों को सम्मान करो, पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाओ, देश बचाओ। आगे एक रिपोर्टिंग देखिए, खास रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट को लेकर। जब देश में पर्यावरण को लेकर काफ़ी सतर्कता देखी गई, वहीं पर प्रदूषण भी देखा जा रहा है। आज विश्व स्तरीय पर्यावरण आज भारत में तेजी से योजना लागू हो रही है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे भी आज पर्यावरण सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। भारत सरकार की योजना स्वच्छता और पर्यावरण का विशेष योजना का लाभ मानव, जीव जंतु और अन्य लोगों को इस विषय पर विशेष ख्याल रखने और भी तेजी से कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, क्योंकि जब पर्यावरण शुद्ध रहेगा तभी हम सब मानव का जीवन सही सलामत रहेगी। आज हम सब को चिंता इस बात का है कि पर्यावरण को लेकर हम सब आज सजग हैं और अभी भी जो प्रदूषण देखा जा रहा है, लोग पॉलीथीन जला रहे हैं, विषैले पदार्थ चला रहे हैं, इसे लेकर आज खतरा उत्पन्न होता रहा देश में। आज हम सब दो चीज़ों को विशेष बचाव की ज़रूरत है और ख्याल करने की भी ज़रूरत है। एक पुराने पेड़ पौधे और दूसरा पुराने बुजुर्ग, क्योंकि ये दोनों लुप्त के कगार पर हैं और ये दोनों सुरक्षा की दृष्टि से या देखने की इन्हें प्रेम, सेवा और धारणा चलाने और बुजुर्गों को जीवन प्रेम करने से उनकी लाइफ और बढ़ती है। बुजुर्गों का जीवन लंबा होगा पेड़ पौधे की तरह सेवा करने से और मान सम्मान बढ़ने से। आज पूरा जो है, जिस तरह से बुजुर्गों का सेवा किया जाता है, उसी तरह से महिलाओं और आने वाले पेड़ पौधे को देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें भी सुरक्षा व्यवस्था की देखभाल करना चाहिए। अगर हम पेड़ काटते हैं तो उसी तरह दर्द होता है जिस तरह से बुजुर्ग का एक मान सम्मान के साथ देखा जा सकता है। बुजुर्गों को मत परेशान कीजिए और पुराने पेड़ पौधों को मत काटिए, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए सबसे बड़ा जीवन रक्षक हैं और जीवन रक्षक होने से हमें भी आत्म में सम्मान और प्यार मिलता है। सबको एक साथ चलकर और स्वच्छता, हवा, आज जिस तरह से देखा जा रहा है, बच्चे भी आज पर्यावरण को लेकर काफ़ी जागरूकता देखी गई। आगे देखते उसी के परिपेक्ष में पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरे चौबे रामनगर शिक्षा क्षेत्र बीकापुर जनपद फैजाबाद के हमारे प्रधानाचार्य श्री सीएल गुप्ता द्वारा बच्चों के द्वारा अपने सहायक पर्यावरण की मिसाल आज पूरे भारत में देखा जा रहा है। वहीं पर विश्व स्तरीय जिस तरह से कार्यक्रम चलाया जाता है, चाहे समुद्री पर्यावरण हो, चाहे जो है पेड़ पौधे के बारे में पर्यावरण, आज जो है भारत को एक अलग अवार्ड मिला हुआ है, मान सम्मान मिला हुआ है। वहीं पर मोदी जी 2 अक्टूबर से यह लगातार देखने को मिला है कि पॉलीथीन बंद कर दिया गया है। वहीं पर आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से पॉलीथीन बंद करने से आज हमारे लिए सबसे बड़ा कार्यशैलियाँ देखी गई है और पर्यावरण को लेके आज जिस तरह से बीमारी पॉलीथीन में पाया गया, टीबी, हैजा जैसे काफ़ी ऐसे बीमारियाँ उत्पन्न हुई हैं और आज हमें सबको ही नुकसान कर रहे हैं। वही मोदी जी जो है इस तरह से आज भारत के प्रधानमंत्री जो है 2 अक्टूबर से पॉलीथीन बंद कर दिया, इसके लिए आज पूरा भारत खुश है। जहाँ तक आज विदेशों में भी लोग काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पर्यावरण को सही दिशा, सही हवा आज मानव के लिए काफ़ी सुंदरता की दृष्टि से देखा जा सकता है। मानव के लिए एक पर्यावरण का महान कार्य यही है कि पेड़ पौधे अधिक लगाएं। अपने घर के आसपास जो है पेड़ पौधे लगाने से स्वच्छ हवा, सुंदर हवा और शुद्ध जो है आकाश और शुद्ध पृथ्वी रहेगा, तभी तो मानव जीवन और जीवन और जीव जंतु जिस तरह से आज लुप्त होते जा रहे हैं, शेर लुप्त होते जा रहे हैं, अन्य जो है जीव जंतियाँ जो है पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं, आज जो है पक्षियाँ भी लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण की खतरा आज लगातार जिस तरह से प्रदूषण देखने को मिल रहा है, आज वो जीने के कगार पर नहीं रहते हैं। तो इसलिए हम सबको आगे बढ़कर देखने की ज़रूरत है। जिस तरह से आज तरह तरह के हमें चिड़िया दिखाई देता था, आज के 50 साल पहले दिखाई देता था, आज वह चिड़िया हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज जो है मानव के दृष्टि में जिस तरह से पॉलीथीन
पर्यावरण लगातार जलाया जा रहा है और प्रदूषण जो है फैलाया जा रहा है, इसके ही नतीजे हो सकते हैं। तो इसलिए मानव जातियों को यही संदेश है, यही जागरूकता है कि पेड़ पौधे अपने घर के आसपास अधिक से अधिक लगाएं और अपने आप को संतुष्ट और निरोग रहें। इससे टीबी और कैंसर बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। पॉलीथीन मत जलाइए, विषैले पदार्थ मत जलाइए, क्योंकि आज जिस तरह से यह देखा गया यह बहुत ही बड़ा खतरा है। हम यहीं तक आपको घर के आसपास प्रदूषण न फैलाएं, पर्यावरण को स्वच्छ सुंदर बनाएं, आने वाले वक्त में अपने नेत्र साफ रखें, बच्चियों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।